हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, पावटा के प्रागपुरा थाने के अंतर्गत प्रागपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनदहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर से चुराए गए ट्रक एवं ट्रक में भरे गए 25 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रागपुरा थाने में 5 जून को एक चोरी की बड़ी वारदात दर्ज हुई थी, जिसको लेकर कोटपुतली एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा एवं डीएसपी दिनेश यादव के दिशा निर्देश पर प्रागपुरा थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ट्रक चालक पुणे महाराष्ट्र से ट्रांसफार्मर भरकर मानेसर हरियाणा जा रहा था। तभी वह खाना खाने के लिए प्रागपुरा के निकट विक्रम ढाबे पर रुका और खाना खाकर सो गया। उठकर देखा तो ट्रक माल सहित गायब था, जिसकी सूचना प्रागपुरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज करवाई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तथा अन्य माध्यमों से मुलजिम योगेश जाट निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को बिलवाड़ी घाटी विराटनगर के जंगली इलाकों से आरोपी को माल सहित गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य चोरी और लूट की वारदातें खुलने की संभावना है। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। अंक 5/6/2021 को एक ट्रक चालक था जो पुणे से ट्रांसफार्मर भर के मानेसर जा रहा था। उसने मांगे वाले प्याऊ है यहाँ, जिसमें विक्रम ढाबा है, उसके वहाँ खड़ी करके खाना खाने लग गया और उसको चारपाई पे लेट गया तो नींद आ गई। इतने में कोई अज्ञात चोर था जो उस ट्रक को लेकर के भाग गया। उसने हमें सूचना दी 3:30 के करीब कि मेरा ट्रक चोरी हो गया। तुरंत हमने टीम गठित करके इधर उधर थाने इलाकों में भेजी गई और अलवर भिवाड़ी इलाके में, विराटनगर शाहपुरा थाने इलाके में काफ़ी तलाश की। पूरी रात भर तलाश करते हुए उसमें सुबह हमने आज 6/6/2021 को ट्रक में ट्रांसफर भरे हुए ट्रक को और मुलजिम योगेश है जो अपने बुलंदशहर यूपी का था, जो ट्रक लेकर के चोरी करके भगा था, उसको भी गिरफ्तार किया है और ट्रक भी बरामद किया है।